तुम्हें ना गिराया था ना पेट, अब तुम ही साफ करोगी अपने हाथों से। तुम भाग के क्यों आई थी? क्या अर्जम साहब ने कुछ कहा है? मेरा मतलब कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। अब्बा मुझसे बहुत नाराज हैं। उस दिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था, इसीलिए उन्होंने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। ना ही मैं खुद को जहीन कह रही हूँ और ना ही मैं नमरीन को बेवकूफ कह रही हूँ। बस मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज खुदा के लिए मुझे इस घर में कैद मत रखे। तो इसका मतलब तुमने भी कार्रवाई शुरू कर दी? पता नहीं विकार, मैंने ठीक किया या गलत, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हर दफा अपनी हद पार कर देती। मैं तो शायद आज भी ऐसा कुछ ना करता, लेकिन शदीद गुस्से में था और फिर मुझे तेरी बातें याद आ गई। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि वो इस हद तक पहुंची कैसे और क्यों कि वो इस हद तक आ गई है? क्योंकि तुम्हारे जैसा बंदा किसी को अपनी लिमिट क्रॉस करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देता। और ये कोई मामूली सवाल नहीं अर्जन साहब। आ गई तुम, बड़ी देर लगा दी तुमने। अम्मी खफा हो रही थी। वो आज हड़ताल थी ना, कुछ मिल ही नहीं रहा था, इसलिए आने में मुझे देर हो गई। तो कैसे आई फिर? जी वो मैं रिक्शे में आई हूँ। पैसे तो बहुत लगे होंगे। Not a problem. ये रखो। It's all right, दोस्त है मेरा, रख लो। और शाम को मैं ड्रॉप कर दूंगा, पर अम्मी को नहीं बताना इसका, ठीक है? जी ठीक है। मैं तो उन दोनों से बात नहीं करने वाली, तुम मेरी तरफ से बात कर लेना। हाँ ठीक है, मैंने कहा था वो बात आई गई हो गई है ना, तो ठीक कर लेती हूँ मैं उनको फोन। ओके खुदा फिर। ताबिंदा जी, मेरी एक बात बहुत गौर से सुननी है तुमने। देखो मैं तुम्हारी अम्मी की वजह से तुम्हारा लिहाज करती रही, तुमने गलतियां की मैं बर्दाश्त करती रही और तुम्हें माफ भी करती रही, लेकिन कल अर्जम की बर्थडे है और एक मैंने बहुत बड़ा इवेंट भी रखा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जी बेगम साहिबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई गलती ना हो मुझसे। नहीं, कोशिश नहीं, तुमसे वादा चाहिए कि कल कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं। जी, इसलिए तुम आज जल्दी घर जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना, काम बहुत ज्यादा है। केक वालों को तो, हाँ वो केटरिंग, जी जी जी, देखिए अर्जम साहब, मेरा आपसे किसी भी किस्म का कोई मुकाबला या झगड़ा नहीं है, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं है आपसे मुकाबला करने की, और ना ही मेरी औकात है आपसे झगड़ा करने की। अब मैं आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तो आप प्लीज बेगम साहिबा से मेरी कोई शिकायत नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से वो मुझे नौकरी से भी निकाल सकती हैं, और फिर मेरी अम्मी और मेरे दरमियान बहुत नाराजगी होगी। मैंने तो तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की, क्यों परेशान हो रही हो? घर जा रही हो? जी। कैसे जाओगे, आज तो स्ट्राइक है। मैं चली जाऊंगी। अरे कैसे जाओगी, ट्रांसपोर्ट तो बंद है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे पैदल क्यों जाओगी, मैं हूं ना। तो मुझे वैसे भी शनासाई सी महसूस हो रही है दोनों के दरमियान। ठीक है ठीक है, नहीं मैं आ जाऊंगी। हाँ आ जाओ। तुम गई नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसको कहता था चाय बना के दे मुझे। मगर अब तो ये जा रही है, तुम गई क्यों नहीं अभी तक? वो मैं बस जा रही। मामा ये कैसे जाएगी, आज तो स्ट्राइक है, कन्वेंस बंद है। ओ, ड्राइवर से कहो तुम्हें छोड़ाएगा। जी जी, मैं ड्राइवर को कहता हूँ कि इसको ड्रॉप करा। अच्छा हाँ, जाने से पहले इसको चाय बना देना, और कुछ खाने का भी बंदोबस्त कर देना, क्योंकि मैं घर पे नहीं होंगी। ठीक है? ठीक। लड़कियां मरती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए, पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छी फैमिलीज की लड़कियां। खत्म? अरे तुम्हारी हैसियत ही क्या है? उसकी गलती को मेरी गलतफहमी का नाम मत दो सलीमा बेगम। मैं फैसला कर चुका हूं।
क्या कर रहे हो? आप शायद भूल रहे हैं, आप ही के लिए चाय बना रही हूं। तुम्हारा कोई दोस्त है? दोस्त? मेरी तरह। अच्छा, दोस्ती करोगी? अर्जम साहब, मैं मानती हूं कि मैंने कुछ बातों पे अपनी हद पार कर दी थी, लेकिन अब आप अपनी हद पार करें और ये मुझे बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं। ये सब कुछ तुमने तब क्यों नहीं सोचा जब तुम अपनी हद पार कर रही थी? उस वक्त तो वो सब तो क्या हंसी मजाक था तुम्हारे लिए, मेरे लिए हंसी मजाक नहीं था, क्योंकि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर तुम्हें हंसी मजाक करना है तो दोस्ती का रिश्ता तो रखना पड़ेगा। मैं किसी दोस्ती की कायल नहीं हूं। और मेरे नजदीक लड़के और लड़की की दोस्ती हमारे माशरती इक़दार के खिलाफ है। लेक्चर तो ऐसे दे रही हो जैसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर आ रहा हो। तब इंता फिर जानती हो लड़कियां मरती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए। पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छी फैमिलीज की लड़की, अरे तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तादिंदा, एक मासी की बेटी हमेशा मासी की बेटी रहती, आगे नहीं बढ़ती। वो तो मेरा बड़ा पन है जो मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूं। ना तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं। Really sorry. मेरा ये मकसद नहीं था, लेकिन आपकी बातों की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। You are impossible. You are impossible. अच्छा, दोस्ती करोगी? अर्जम साहब, मैं मानती हूं कि मैंने कुछ बातों पे अपनी हद पार कर दी थी, लेकिन अब आप अपनी हद पार करें और ये मुझे बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं। ये सब कुछ तुमने तब क्यों नहीं सोचा जब तुम अपनी हद पार कर रही थी? उस वक्त तो वो सब तो क्या हंसी मजाक था तुम्हारे लिए, मेरे लिए हंसी मजाक नहीं था, क्योंकि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है।
अब अगर तुम्हें हंसी मजाक करना है तो दोस्ती का रिश्ता तो रखना पड़ेगा। लड़कियां मरती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए। पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छी फैमिलीज की लड़कियां। खत्म? अरे तुम्हारी हैसियत ही क्या है? राधिंदा, एक मासी की बेटी हमेशा मासी की बेटी रहती है, आगे नहीं बढ़ती। वो तो मेरा बड़ा पन है जो मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूं। वरना तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं। बख्तियार, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो सब ठीक है, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो ठीक करना पड़ेगा। वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। खुलकर कहें, यूं पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? नवीन के बारे में सोच रहा हूं मैं। अब क्या कर दिया उसने? अभी तो कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे डर है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो कुछ ऐसा कर जाएगी। हमारी इज्जत। बख्तियार, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे? नवीन हमारी बेटी है, क्या आपको उस पर इतना भी यकीन नहीं है? यकीन था। बहुत भरोसा था, तभी उसे इतनी आजादी दे रखी थी। लेकिन उस दिन जो मैंने देखा है ना सलीमा, वो तुमने नहीं देखा। किस तरह नवीन उस रेस्टोरेंट के बाहर उस लड़के के साथ हंस बोल के उसकी बाहों में बाहें डालकर घूम रही थी, तुम देख लेती तो। हम बेफिक्र हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे आपकी इज्जत को दाग लगे। नहीं, जितना बेफिक्र रहना था रह लिया। मैं अब मजीद बेफिक्र नहीं रह सकता और इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? नवीन की शादी का फैसला। अब तो उसकी शादी को लेकर ही बैठ गए,
पे हमारे बच्चे की उम्र ही क्या है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे पूरा यकीन है। आपको कोई गलत फहमी हुई है बख्तियार, और अगर ऐसी कोई उससे गलती हुई भी है तो मैं वादा करती हूँ मैं उसे समझाऊंगी बख्तियार, वो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उसकी गलती को मेरी गलत फहमी का नाम मत दो सलीमा बेगम। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो बताओ। वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बख्तियार, मैं तो एक बार फिर कहूंगी, आप फिर से सोच लें प्लीज बख्तियार। मैं तो जब उसे देखती हूँ मेरे दिल से दुआ निकलती है कि मेरी ताबिंदा के लिए कोई ऐसा ही लड़का हो। क्या राबिया, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। इसकी तबीयत ठीक ही है। 11 बज गए बेटे। 11 बज गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज मुझे जल्दी जाना था। वो तो बहुत खूबसूरत लड़की है और तू उससे पंगे ले रहा है। अगर तेरे साथ उसने सब कुछ किया होता ना ऐसा, तब मैं पूछता तेरे से। जरूरत क्यों नहीं? जानती हो, मैं तो समझता था कि तुम अर्जम की कजन हो। सुनिए फतेह।